नमस्कार, आप सुन रहे हैं नौ रूप नौ दिन नौ कथाएं अशोक हमराही के साथ। नवरात्र भगवती जगदम्बा की आराधना का पर्व है। प्रथमा से नवमी तिथि तक हर तिथि को माँ भगवती के अलग अलग नौ रूपों की पूजा आराधना की जाती है और माँ के स्वरूप की कथा सुनी जाती है। नवरात्र की प्रथमा तिथि को माँ शैलपुत्री, द्वितीया को माँ ब्रह्मचारिणी, तृतीया को माँ चंद्रघंटा, चतुर्थी को माँ कूष्मांडा, पंचमी तिथि को माँ स्कंद माता, षष्ठी को माँ कात्यायनी, सप्तमी को माँ कालरात्रि, अष्टमी तिथि को माँ महागौरी और नवमी को माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस प्रकार नवरात्र का हर दिन देवी भगवती की इन्हीं विशिष्ट रूपों को समर्पित है। नवरात्र की नवमी तिथि को माँ भगवती के सिद्धिदात्री रूप की पूजा अर्चना की जाती है। सुरा संपूर्ण कलशम रुद्राप्लुतमेव च दधानाम हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तुमे। श्री दुर्गा का चतुर्थ रूप माँ कूष्मांडा है। अपने उदर से अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कूष्मांडा देवी के नाम से पुकारा जाता है। नवरात्र के चतुर्थ दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है और माँ कूष्मांडा की कथा सुनी जाती है। पुराणों के अनुसार एक बार देवर्ष नारद ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, भगवान कृपया मेरी शंका का समाधान करें, आप तीनों देवों से बढ़कर भी कोई पूजनीय देवी शक्ति है क्या जिसकी साधना में आप भगवान शिव और पितामह ब्रह्मा प्रायः लीन रहते हैं। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, महामुनि वास्तव में ब्रह्मा जी सृष्टि के रचना कार्य में, मैं पालन पोषण के कार्य में और महादेव सृष्टि के संहार के लिए जिन महाशक्ति के निर्देशों का पालन करते हैं वो आदिशक्ति देवी हैं। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी उस समय अंधकार का साम्राज्य था। देवी जिनका मुख मंडल सैकड़ों सूर्य की प्रभा से प्रदीप्त है उस समय प्रकट हुई। उनके मुख की मुस्कुराहट से सृष्टि की पलकें झपकनी शुरू हुई और जिस प्रकार फूल में अंड का जन्म होता है उसी प्रकार कुसुम अर्थात फूल के समान माँ की हंसी से सृष्टि में ब्रह्मांड का जन्म हुआ। देवी कूष्मांडा का निवास सूर्यमंडल के मध्य में है और वो सूर्यमंडल को अपने संकेत से नियंत्रित करती हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड इन्हीं पराशक्ति के उदर में स्थित है, इसीलिए इन्हें देवी कूष्मांडा कहा गया है। देवी कूष्मांडा इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री देवी हैं। समस्त चल अचल पदार्थों में और हर प्राणी में जिस चेतना रूपी प्राण का संचार होता है वो चेतना ही माँ कूष्मांडा है, जो अपने सभी भक्तों के कष्टों का विनाश करती हैं, उन्हें सुख सौभाग्य और आरोग्य प्रदान करती हैं। यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। दुर्गा सप्तशती के कवच में भी वर्णित है, कुत्सितः ऊष्मा कूष्मा त्रिविध ताप युतः संसारः स अंडे मांस पेश्याम मुदर रूपायाम यस्या सा कूष्मांडा। अर्थात वो देवी जिनके उदर में त्रिविध ताप युक्त संसार स्थित है वो कूष्मांडा हैं। देवी कूष्मांडा अष्टभुजा से युक्त हैं, अतः इन्हें देवी अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है। देवी अपने हाथों में कमंडल धनुष बाण कमल का पुष्प अमृत से भरा कलश चक्र गदा और कमल के फूल के बीच की माला लिए हुए हैं। ये माला
भक्तों को सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि देने वाली है। देवी अपने प्रिय वाहन सिंह पर सवार हैं। नवरात्र के चौथे दिन श्रद्धा पूर्वक देवी कूष्मांडा की उपासना करने और माता की कथा सुनने से सभी प्रकार के कष्ट रोग शोक का अंत होता है और आयु यश बल और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। अपनी मंद हंसी से ब्रह्मांड रच दिया, अपने तेज से जीवन में प्रकाश भर दिया। सूरज की आभा से दम के माँ का रूप सदा, आदि शक्ति है आदि स्वरूपा देवी कूष्मांडा। ओम देवी कूष्मांडाये नमः। अगर नौ रूप नौ दिन नौ कथाएं सीरीज का ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों और जानने वालों से ये सीरीज शेयर करना ना भूलें। अपने सुझाव यानी सजेशंस के लिए इंस्टाग्राम पर आकर हमें टैग करना और बताना ना भूलें @ अशोक हमराही।